छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक युवक फांसी के फंदे पर झूल गया है। बताया गया है कि युवक को अपने घर से कुछ समय पहले आपत्तिजनक सामान मिला था, जिसके बाद उसका विवाद उसकी पत्नी से हो गया था। पुलिस ने मृतक का नाम राकेश कुमार सैन बताया है। युवक गुरुवार को सुबह 10:30 बजे अपने कमरे में गया था। दोपहर को राकेश की माँ भी उसे खाना खाने के लिए बुलाने गई थी, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद उसकी माँ वापस लौट आई थी। जब रात भर वो कमरे से बाहर नहीं निकला था, तब राकेश का भाई शुक्रवार को सुबह 7 बजे दरवाज़ा खटखटाने लगा, फिर भी अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इस पर राकेश के भाई ने दरवाज़ा तोड़ दिया, जहाँ अंदर पंखे पर फांसी के फंदे पर राकेश लटका हुआ था और उसकी मौत हो गई थी। राकेश को राखी के 3 दिन पहले अपने घर से आपत्तिजनक सामान मिला था। उसे अपनी पत्नी से किसी से संबंध का शक था। इसी बात को लेकर उसका विवाद उसकी पत्नी से भी हुआ था। बाद में राखी के दिन वो अपनी पत्नी को उसके मायके रायपुर के बरगांव छोड़ आया था। यहाँ उसने इस बात की जानकारी अपने ससुर को भी दी थी, लेकिन ससुर से भी उसका विवाद हो गया था। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।